ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने पारस औष्णिक केंद्र को भेंट देने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों से ली। रविवार को ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने अकोला जिले के पारस स्थित महाराष्ट्र विद्युत निर्मित कंपनी के औष्णिक बिजली निर्माण केंद्र को भेंट दी। औष्णिक विद्युत निर्माण प्रकल्प के ओजोन वायु निर्मित प्रकल्प से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। इस ऑक्सीजन की शुद्धता का स्तर 100% तक लाकर उसे वैद्यकीय इस्तेमाल करने इतना उपयुक्त बनाना और आवश्यक कंप्रेसर सहित अन्य यंत्र सामग्री उपलब्ध कराकर यह ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफिलिंग करना, इसके संदर्भ में उन्होंने जानकारी ली। पारस से वापस लौटने के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने जिलाधिकारी कार्यालय में जिला अधिकारी के कक्ष में एक बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में अकोला जिले के ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ऊर्जा राज्य मंत्री ने ली और पारस औष्णिक केंद्र के साथ मिलकर किस तरह से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया।